भी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं सब, इनमें सरकार हमारा सहयोग दे, ना कि हमारे साथ में कोई वो करे बदसलूकी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम यहाँ सिद्धि गुरुग्राम से आपको कवरेज दे रहे हैं, सफाई महाअभियान की कवरेज दे रहे हैं। हम महिलाओं से बात करके जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसकी शिक्षा पर चलते हुए वो यहाँ इतनी दूर आए हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रवती है। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला अलीगढ़ से आई हूँ, ब्लॉक धनीपुर। मैम आप इतनी दूर से आए हैं, किसकी प्रेरणा पर, किसकी शिक्षा पर चलते हुए आप यहाँ आए हैं? गुरु जी के उस पर आए हैं, शिक्षा पे, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अभियान चला रखे हैं, जो कि सफाई अभियान चला रखे हैं, सारे बहुत ज़्यादा अभियान है, सारे काम वो अच्छे करते हैं हमेशा। मैम ऐसे कौन कौन से और कार्य हैं जो गुरु जी की तरफ से समाज में योगदान के लिए किए जा रहे हैं? उनके बहुत ज़्यादा कार्य हैं कि जैसे कि किन्नर हैं, किन्नरों को उन्हें मकान बनवाए, उनको शिक्षा दी और उनके लिए कार्य भी कराया, मतलब उनके लिए साधन बनाए मजदूरी के। और जैसे कि हमारी बेटियाँ हैं और उनको ले जाते हैं और उनसे गलत काम कराते हैं, उन बेटियों को भी उन्होंने छुड़ाया, उनको ये अच्छी अच्छी शिक्षा दी, स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी दी, उनकी शादियां कराई। लेकिन ये समाज है, समाज बहुत गंदा है, किसी का मतलब मुंह नहीं पकड़ा जाता है किसी भी आदमी को बदनाम करने में। मैम आप सफाई महाअभियान में आई हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इससे पहले भी बहुत सफाई महाअभियान कर चुके हैं, तो आज उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला सफाई महाअभियान हो रहा है, तो आपको क्या फ़र्क नज़र लग रहा है? लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी की, जो हमारे गुरु जी हैं, उनकी प्रेरणा तो जीवन भर हमारे साथ चलेगी, क्योंकि जो कि उन्होंने हमें शिक्षा दी है वो अच्छी शिक्षा दी है, तो वो तो कभी हमारी जा नहीं जाएगी, हमारी आत्माओं से निकल नहीं पाएगी वो शिक्षा, हम हमेशा याद रखेंगे, या हमारे पिताजी यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन उनके नियमों को हम पालन करेंगे जीवन भर मरते दम तक। मैम आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? हम ये संदेश देना, जैसे कि हमारे गुरु जी हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सारे काम चला रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि आप भी अपने मोहल्ले में, घर में, क्योंकि एक राष्ट्र जब सुरक्षित होगा तो सारा समाज सुरक्षित हो जाएगा, तो उसे बीमारी कम फैलेगी, जब गंदगी नहीं रहेगी तो बीमारी भी नहीं होगी, लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, हमारा राष्ट्र जो है स्वस्थ, बीमारी से भी मुक्त हो जाएगा। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी आप? सरकार से तो यही है कि जो भी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं सब, इनमें सरकार हमारा सहयोग दे, ना कि हमारे साथ में कोई वो करे बदसलूकी, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं और जागरूकता के लिए कर रहे हैं, अपने उसमें समाज में जागरूकता फैले। तो दोस्तों हम लगातार आपको सीधी कवरेज दिखाते रहेंगे, गुरुग्राम से बातचीत करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से, देखते रहिए फैक्ट टाइम। धन्यवाद।